आप सबको सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, आपने मेरी बनाई हुई रेसिपी फीको की वीडियोस देखी और उसमें अपने कमेंट्स लिखे। मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगे और मैं चाहूँगा कि मेरी ऐसी ही बनाई हुई और भी वीडियोस को आप उतना ही सपोर्ट, उतना ही प्यार दें और उतना ही उन वीडियोस से हेल्प लें। आज मैं एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि एक्सेल में एक फॉर्मूला है, व्यू लुकअप। एक्सेल बहुत जरूरी है आज की डेट में, क्योंकि जिस किसी भी हम किसी भी प्रोफाइल में हो, आज की डेट में हमें एक्सेल आना जरूरी है, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं डाटा में तो हमें एक्सेल की जरूरत पड़ती है। और एक्सेल में वी लुकअप की कमांड बहुत अच्छी कमांड है जो बहुत हेल्पफुल है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कन्फ्यूज रहते हैं कि यार ये कई बार सीख लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, बट नहीं पता चलता कि इसका एक्चुअल यूज़ कैसे होता है, कैसे ये कमांड काम करती है, कई कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो मैंने इस इतनी डिटेल्ड वीडियो व्यू लुकअप में कहीं नहीं देखी, इसलिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि व्यू लुकअप का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे सिस्टम रीड करता है अपने फॉर्मूले को, कैसे हमें क्या क्या कमांड देनी पड़ती है जिससे कि हमारा डाटा एक्चुअल आउटपुट जो आ रहा है वो बिल्कुल ठीक आए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक एक्सेल शीट बनाई हुई है, मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये हमारा होता है व्यू लुकअप का फॉर्मूला। व्यू लुकअप के फॉर्मूले में क्या क्या चीजें होती हैं? वी लुकअप के फॉर्मूले में सबसे पहले होता है वी लुकअप इक्वल टू लिख करके हम वी लुकअप लिखते हैं। उसमें सबसे पहले आती है हमारी लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होती है? कॉमन फैक्टर टू फेच डाटा, मतलब आपके पास डाटा है, आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक ट्रायल बैलेंस लिया है, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है जिसमें कंपनी कोड है हमारे ये वाले और उसकी अकाउंट के डिस्क्रिप्शन से ये है ओपनिंग बैलेंस, डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस क्लोजिंग जो है वो ये है, ये हमारे पास आ रहा है। अब हमें अक्सर कुछ ऐसी होती है कि हमारे पास मास्टर डाटा होता है जिसमें बहुत बल्क में डाटा होता है, लाखों करोड़ों लाइनें होती हैं। अब उनमें हमें क्या करना होता है? स्पेसिफिक कुछ डाटा निकालना होता है। तो अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि ये हमारे टीवी में लाखों जीएल कोड्स हैं और उसमें से हमें कुछ पर्टिकुलर डाटा, जीएल कोड्स का डाटा फेच करना है। भाई उसका क्या ओपनिंग बैलेंस है, क्या डेबिट है, क्या क्रेडिट है। इसका एक तरीका ये है कि भाई आप जाके इन पर्टिकुलर कोडों को एक एक करके फिल्टर लगा के आप डाटा निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये आज मैंने नंबर ऑफ मेरे जीएल 5 ही हो, फॉर एग्जांपल अगर ये 25 होते हैं तो 25 बार आपको ये कि या तो आप मैनुअल फिल्टर लगा के एक एक चीज टिक कर लो, और उसमें आपके एक्यूरेसी के चांसेस भी कम हो जाते हैं और बहुत डिफिकल्ट होता है फिजिकल, मतलब ऐसे अगर लेबर वर्क बहुत ज्यादा होता है। स्मार्ट वर्क करने के लिए आप वी लुकअप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और ये बहुत इजी है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा लुकअप वैल्यू क्या होती है। लुकअप वैल्यू क्या होती है? कॉमन फैक्टर टू फेच डाटा, यानी कि दोनों टेबलों में जैसे इसमें हमारे पास क्या चीज अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल जीएल कोड, हमें इस जीएल कोड को यूज करके ये सारा डाटा लाना है। किस टेबल से? इस टेबल से, मतलब ये जो मास्टर डाटा है इससे हमें ये चीजें, इसकी इन जीएल कोडों की डिटेल्स फेच करनी है। अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें यहाँ लगा के मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इक्वलिटी का साइन लगेगा, उसमें आएगा यहाँ पर वी लुकअप लिखने की वी लुकअप लिख के हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले हमसे पूछेगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होती है? कॉमन फैक्टर फैच डाटा। कॉमन फैक्टर क्या है? ये चीज, ये हमारे उस मास्टर डाटा में भी है और इसमें भी है, तो हम ये चूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। उसके बाद कह रहा है टेबल। टेबल क्या होती है? जहां से हमें डाटा फेच करना है, जहां पर अवेलेबल है डाटा, जहां से उठा के लाना है, वो हमारी टेबल होती है। तो अब हमें क्या करना है? हमें टेबल सेलेक्ट करनी है। तो टेबल सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर गए, हमने ये जो टेबल थी हमारी यहां से लेकर ये हमने सेलेक्ट कर ली। और आप ये देखना कि जैसे ही मैंने यहाँ पर, जैसे मैंने पहला कॉलम सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर, जैसे दो सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर लिखा भी आ रहा है कि 1 row into 2 column, और जैसे मैं ये आगे गया यहाँ 1 row 3 column, तो इससे ये पता चलता है कि टोटल हमारे कॉलम कितने हैं? 6 column है। ठीक है, तो हमारी काउंटिंग ऐसे ही होती है, जो हम डाटा सेलेक्ट करते हैं जिस दो ये करी तो 1 row 2 column, इस तरीके से कॉलम वाइज आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारा रो पहली है, कॉलम 6 है। ये मैं आपको कॉलम वाइज में इसलिए इतना कंसंट्रेट करवा रहा हूँ कि ये सारा जो नॉलेज है, फॉर्मूला कमांड ही कॉलम वाइज होती है, इसलिए मैंने कॉलम में इतना जोड़ दिया है। तो सबसे पहले अब हमें ये पूरी टेबल, जितनी भी टेबल है वो पूरी हमें सेलेक्ट करनी है, क्योंकि डाटा इसी टेबल से फेच होगा, डाटा यहीं से उठ के आएगा। ये हमने अपनी टेबल जो है ये सिलेक्ट कर ली। अब क्या है, ये जो फॉर्मूला मेरा यहाँ, ये मेरी हो गई पहली वाली, ये हो गई मेरी लुकअप वैल्यू, दूसरी हो गई मेरी
टेबल, टेबल में क्या होता है, यहाँ पर टेबल में ना, यहाँ सेंटर में आके, यहाँ सेंटर में आके हमें एक कमांड देनी है F4 की। F4 कमांड क्या करता है, यहाँ पर डॉलर का साइन लगाता है। सेंटर में आके हमें यहाँ बीच में, इसमें जैसे पहला था, यहाँ अल्फाबेट और न्यूमेरिक के बीच में आके हमें F4 की कमांड देनी होती है। जैसे मैं यहाँ पर देती फर्स्ट में, और दूसरी वाली में भी, ये होता है स्टार्ट पॉइंट, ये होता है एंड पॉइंट। तो यहाँ पर भी मैंने आपको डॉलर की कमांड दे दी यहाँ पर, ठीक है। ये डॉलर किस काम आता है, ये मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, फिक्स द टेबल, मतलब टेबल आपकी मूव नहीं होगी अगर ये डॉलर का चिन्ह लगाएंगे। तो अगर आप इस फॉर्मूले को कहीं कॉपी पेस्ट करेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे, तो ये जो टेबल है ये मूव हो जाएगी और आपका जो आउटपुट आएगा वो गलत आएगा, इसलिए हम यहाँ पर डॉलर का साइन लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें क्या लगाना है, कॉमा डालना है। उसके बाद हमें लगाना है कि हमें ये जो हम अकाउंट डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं वो मास्टर डाटा में कौन से कॉलम में है। मैंने आपको बताया था कॉलम कैसे देखते हैं, कौन से कॉलम है। तो वापस हम अपने इस डाटा में जाएंगे और यहाँ काउंट करेंगे कि जो भी हमें डाटा चाहिए वो कौन से कॉलम में है। अब हमें चाहिए अकाउंट डिस्क्रिप्शन। अब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जहां से हमने डाटा स्टार्ट किया सिलेक्ट करना, ये वन कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया। तो यानी हमें सेकंड कॉलम की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अभी ये इसको हटा देंगे जो एक्स्ट्रा आ गया है, इसको हटा देंगे। यहाँ पर हम डालेंगे हमें चाहिए अभी सेकंड नंबर पे, यानी हमें अकाउंट डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो वो फर्स्ट और सेकंड, यानी ए दो दूसरा नंबर कॉलम है, तो दो नंबर डाल दिए यहाँ पर, कॉमा जीरो। जीरो में क्या दिखा रहा है, ट्रू और फॉल्स। मतलब ट्रू और फॉल्स का मतलब ये हो गया, जीरो का मतलब ये हो गया कि अगर डाटा जो हमारी लुकअप वैल्यू हो वो दोनों डाटा एग्जैक्ट मैच करते हैं तो ही आपको वो डाटा फेच करना है। अगर वो सिमिलर है, जैसे थोड़ा सा माइनस और डिफरेंस है, अदरवाइज सिमिलर है, तो आपको डाटा फेच नहीं करना, जीरो का मतलब वो होता है। तो जीरो डाल के हम ब्रैकेट बंद कर देंगे और इसको कर देंगे एंटर। जैसे जैसे कि आपने देखा, एंटर करते ही हमारा यहाँ पर जो आउटपुट था वो आ गया, वो डाटा मास्टर डाटा से फेच करके यहाँ आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें इसी फॉर्मूले से, अब एक बार फॉर्मूला लगाना हमारा थोड़ा सा इनिशियली थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है जिसको नहीं आता, उसके बाद इसको हमें जस्ट कॉपी पेस्ट करना होता है बाकी का डाटा निकालने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया, हमारे पास अकाउंट डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी किया और यही चीज़ बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, हम यही चीज़ यहाँ पर कॉप फॉर्मूले को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो देखें बाकी सब ऑटोमेटिकली आ गए, हमें बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी भी। अगर मान लो यहाँ पर 25 कोड होते तो वही फॉर्मूला हम 25 में पेस्ट कर देते हैं, तो ये हमारा इजी हो गया। इसी तरीके से ये जो हमें डाटा फेच करना है, इसमें भी हमें सिर्फ एक ही रो में लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, उसके बाद वही कॉपी पेस्ट कर देंगे तो सारा डाटा ऑटोमेटिकली फेच होके आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, बार बार फॉर्मूला नहीं लगाना है, ये जो फॉर्मूला लग चुका है यहाँ पर इसको कॉपी करना है। बट इसको कॉपी करने से पहले हमें एक काम करना है, यहाँ पर F2 की कमांड दबानी है और जो हमारी लुकअप वैल्यू है इसको मुझे फ्रीज करना है फॉर्मूला कॉपी करते समय। क्यों, क्योंकि अगर मैं फॉर्मूला कॉपी करते हुए इसको फिक्स नहीं करूंगा तो मुझे क्या दिक्कत आएगी, मैं आपको वो भी देख के बता वो करके बताता हूँ। अगर सपोज मैंने यहाँ पर ये इसको कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर दिया, ये यहाँ पर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। अब आप यहाँ देखो कि अब मैं F2 की कमांड दबाता हूँ तो ये देखो जहाँ A7 था वहाँ B7 हो गया, ये वाला आ गया लुकअप वैल्यू, जबकि ये हमारी लुकअप वैल्यू है ही नहीं, हमारी लुकअप वैल्यू सिर्फ ये है, इसी के बेस में हमें डाटा फेच करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे और इस वाले फॉर्मूले को पहले हम यहाँ पर जाके इसको फ्रीज करेंगे, डॉलर के निशान से सेंटर में रखना होता है हमेशा, और इसमें हमें कमांड देनी है डॉलर की F4। यहाँ हमने डॉलर की कमांड दे दी, बस सॉरी ये वैल्यू चेंज हो गई, इसको पहले एस्केप कर देते हैं, वापस F2, यहाँ जाके F4 एंड, ये मैंने यहाँ पर कमांड दे दी, ये मेरा डाटा विद लुकअप वैल्यू फिक्स हो गई। अब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करूंगा तो मेरी कोई भी चीज़ नहीं हिलेगी क्योंकि मैंने सबको फ्रीज कर रखा है। ये मैंने चारों रो में जाके इसको एंटर कर दिया, तो सेम फॉर्मूला एज इट इज सब में कॉपी हो गया। अब आप कहेंगे कि भाई ये डाटा तो इसका आ रहा है, अकाउंट डिस्क्रिप्शन आ रही है, मुझे चाहिए ओपनिंग बैलेंस, तो मैं क्या करूँ। आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको जस्ट एक सिंपल सी कमांड देनी है, पहले F2 करके इसको देखना है, ओपनिंग बैलेंस मेरे मास्टर डाटा में कहाँ है। मेरे ओपनिंग बैलेंस मास्टर डाटा में रॉ नंबर 3 में है, लेकिन मैंने अभी फॉर्मूले में कमांड क्या दी है, 2। अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ, यहाँ 3 कर देता हूँ, और इसको रिमूव करना कभी मत भूलना, क्योंकि अगर आप इसको रिमूव नहीं करोगे तो ये रो का तो आउटपुट सही आएगा, लेकिन जब आप नीचे फॉर्मूला को कॉपी करोगे बाकी रोज के लिए तो आपका सेम डाटा आएगा, वो इनएक्यूरेट होगा। इसलिए ये डॉलर का निशान हमें लगाना है, हटाना है, सॉरी इसको हटा के एंटर करना है।
अब आप देखेंगे जैसे ही हमने दो चीजें चेंज की, हमने एक तो नंबर ऑफ जो कॉलम थे दो की जगह तीन कर दिए, और यहाँ पर जो हमारा लुकअप वैल्यू में डॉलर का निशान था वो हमने हटा दिया। सेम चीज हमें बाकी कॉलम्स के लिए करनी है। अब आप ये कहेंगे कि अगर कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि ये तीन मैंने यहाँ कैसे लिया है, तो मैं आपको समझा दूँ कि जब आप यहाँ पर डांसमास्टर या डाटा में जाओगे तो आप ये देखोगे हमने टेबल पूरी सिलेक्ट की थी। अब इसमें क्या है कि ये मेरा कॉलम 1, 2 एंड 3, मतलब जहां से आप टेबल सेलेक्ट करो हमेशा टेबल आप जो सेलेक्ट करोगे वो लुकअप वैल्यू से लेकर पूरी टेबल सेलेक्ट होती है जो जो डाटा आपको चाहिए। अब हमने क्या किया, ये हमारा लुकअप वैल्यू थी, हमने काउंट करा 1, 2, 3, 3 नंबर पे ही आया। डेबिट हमारा 4 नंबर पे है, क्रेडिट हमारा 5 नंबर पे, और बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस मेरा 6 नंबर पे है। तो हमें सेम चीज यही करनी है, डेबिट के लिए 4 यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ गए हमने, यहाँ कुछ नहीं किया, यहाँ पर वापस F2 की कमांड दे लगाई, यहाँ इसको करा 4, और यहाँ डॉलर के निशान हटा दिए हमने, डॉलर का निशान हटा दिया, ठीक है, आउटपुट सही आ गया। सेम चीज फटाफट फटाफट हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ये भी चेंज कर देंगे, इसमें यहाँ पर हम डाल देंगे 5 5, और ये टेबल का डॉलर नहीं हटाना है, ये आप कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ यहाँ का लुकअप वैल्यू का डॉलर हटाना है। हमने एंटर किया, अब हम आ गए क्लोजिंग बैलेंस में। सेम चीज हमें ये क्या करनी है, यहाँ पर जाके वही इसको 6 कर देना है, और ये यहाँ से इसको डॉलर को हटा देना है, रिमूव कर देना है, ठीक है, एंटर। अब मेरे को जो मेहनत लगी वो पहले रो में लगी, ये डाटा फेच करने में। बाकी के लिए अगर चाहे यहाँ 50 लाइनें हो, 500 लाइनें हो, मुझे कोई मेहनत करनी नहीं है, मुझे सिंपल सा क्या करना है, इस फॉर्मूले को कॉपी करना है, इस फॉर्मूले को कॉपी करना है, और जितना नीचे चाहिए मुझे जो जो चाहिए डाटा उसमें जाके यहाँ पर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है। तो मेरा डाटा बिल्कुल एक्यूरेट अपना आप वहां से फैच हो जाएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस नहीं है, ये कोई सीक्वेंस नहीं है कि भाई सीक्वेंस में होगा डाटा मैंने उठा लिया, ये बीच बीच में था, वो डाटा अपना आप इस फॉर्मूले के थ्रू आ गया है। अब हमें ये एक क्रॉस चेक करना है जो कि करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ इस वजह से मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ। मेरे को ये देखना है कि भाई जो मैंने डाटा फैच किया है वो फॉर्मूला सही ला रहा है या गलत ला रहा है। तो हम देखेंगे मास्टर डाटा में ये कोड किसका था, ये कोड था ये रहा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ठीक है, और हमारा और इसमें बैलेंसेस क्या थे, 17,500, 2700, 4,350 और 24,550। क्या हमारा डाटा भी यही लेके आया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्कुल ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिक्चर्स 17,500, 2700, 4,350 और 24,550, इसका मतलब ये डाटा हमारा बिल्कुल ठीक लेके आ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको क्या हुआ कि अभी तक इतना ही डाटा था, और फिर आपके बॉस ने कह दिया कि नहीं इसमें कुछ और फर्दर डिटेल हमें और फेच करनी है, तो और दो चार जीएल लिखवा दी है। तो जो भी आपको जीएल लिखवाए मास्टर डाटा से, सपोज उन्होंने बोल दिया कि भाई एक जीएल ये वाली भी उठा लो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप बिल्कुल भी कुछ और मेहनत नहीं करनी है, ये डाटा ने ये जीएल हमने यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक है, अब हमें इसका डाटा फेच करना है। तो ऊपर जो फॉर्मूला लगा हुआ है, एक हमारा फॉर्मूला होता है एक्सेल में कंट्रोल डी, जो कि ऊपर वाले फॉर्मूले को एज इट इज कॉपी कर देता है नीचे, तो कंट्रोल डी हम जैसे दबाएंगे तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, कंट्रोल डी दबाते रहो आपका आउटपुट अपना आप करेक्ट आता रहेगा। ये देखिए आपका अपने आप सारा डाटा बिल्कुल एक्यूरेट आया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने बस इनिशियली मेहनत करनी होती है, उसके बाद हमारा ये फॉर्मूला कॉपी हो जाता है, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। आई होप ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हैं जो कि अब नहीं होने चाहिए, मैंने सारा कुछ बिल्कुल डीपली आपको क्लियर किया है, अगर फिर भी आपको कोई अगर डाउट होता है तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा, मैं आपको तुरंत आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, अगर आपको लगा है कि हाँ मैंने आपको अच्छी तरह से कम्युनिकेट किया है, इस फॉर्मूले की डिटेल्ड जानकारी दी है, तो आप मुझे सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद करें, और इसी तरीके से मैं और भी एक्सेल के फॉर्मूले लाता रहूँगा और उसकी डिटेल आपको समझाता रहूँगा, ताकि आप लोग इससे नॉलेज लेके अपनी नॉलेज को, एक्सेल नॉलेज को इनक्रीज कर सकें। SAP के साथ साथ एक्सेल का नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने सब्सक्राइब मेरे चैनल को किया है, अपना सपोर्ट दिखाया, अपना प्यार दिखाया है और लाइक्स किए मेरी वीडियोज़, उनको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।